सारा क्रिएशन विच तुहाडा स्वागत है। आज मैं तुहाडे लई वूमेन प्लीटेड पैंट की वीडियो लेके आई हाँ। आओ असी इसका नाप देख लैने हां। नाप देखण तों बाद आओ असी इसका पैटर्न देख लैने हां। असी इस पैटर्न दे अकॉर्डिंग ही उसकी कटिंग करांगे। ते ए है जी साडे कोल, ए साडा इन्ना पोर्शन है जी, ए साडा है फ्रंट हिस्सा, ते ए है साडा बैक वाला हिस्सा। फ्रंट हिस्से दे विच असी ए साडी वेस्ट है, ए साडी हिप है, ते ए साडा पोंचा है। असी इसकी लेंथ 36 इंच लवांगे, ते आसन है साडा 13 इंच। ते इस जगह दे उत्ते असी कपड़े का जो भी साडा वेस्ट का सेंटर रहेगा उत्थे असी 3.5 इंच लंबी एक डार्ट पा देवांगे, ते 2.5 इंच का गैप छड के असी एक होर डार्ट 3.5 इंच की ही लवांगे। ते फ्रंट दे नालों जेड़ा साडा बैक वाला पोर्शन है वह असी आसन वाली साइड तो 1.5 इंच उपर ज्यादा लैके इस नूं तिरछा मिला लवांगे। ते इसी तरीके दे नाल आसन तो भी असी 1.5 इंच बाहर कढ़ के इस नूं गोलाई च मिला देवांगे। ते नीचे पोंचे वाली साइड तो असी जिहड़ा फ्रंट वाला है वह तो 6 इंच ही लवांगे, ते जो बैक है वह 1 इंच बाहर कढ़ के असी बैक की गोलाई दे देवांगे। ते फ्रेंड्स इस तरीके दे नाल इह साडा फ्रंट वाला पोर्शन होएगा, ते बैक असी इस तों 1.5 इंच ते 1 इंच फालतू रखते हुए इस दी कपड़े दे उत्ते कटिंग कर लवांगे। ये देखो फ्रेंड्स पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कपड़े के उत्ते इसकी कटिंग कर ली है। ये तुसी देख सकते हो ये है मेरा फ्रंट हिस्सा, ते इस तो मैं 1.5 इंच फालतू रखिया है यह बैक वाला हिस्सा। ते इसी तरीके दे नाल हिप वाली साइड तो असी जिस साइड असी आसन रखांगे उस पासे तो असी 1.5 इंच उपर रख के इसकी कटिंग कर देवांगे। ते हुण मैं इसकी डिजाइनिंग करके तुहानू दिखानी हाँ कि मैं इसकी डिजाइनिंग किस तरीके दे नाल कीती है। ये देखो फ्रंट से है मेरा फ्रंट वाला हिस्सा, ते जिस जेड़े असी प्लीट पाए सी उसके अंदर दो ये देखो ये प्लीट मैं इस तरीके दे नाल पा के तैयार कर ले हन। ते इस दे दोवें आसनां नूं भी मैं आपस विच सिलाई मार के जोड़ दिता है, ते नाल ही इसका बैक वाले पोर्शन नूं भी मैं आपस विच जॉइन कर दिता है। ते इस दे उपर ये मैं 1.5 इंच का नेपा मोड़ दिता है। इस दे अंदर असी बैक वाले हिस्से विच असी इलास्टिक पावांगे, ते फ्रंट वाले हिस्से दे उपर असी बैल्ट लगावांगे, ते साइड दे उत्ते असी इस नूं जिप ते हुक रखांगे। ये देखो फ्रेंड्स मैं फ्रंट हिस्से नूं बैल्ट लगा के तैयार कर लिया है, ते बैक वाले हिस्से विच भी इलास्टिक पा ली है, ते साइडां दीआं सिलाईआं नूं भी लगा के तैयार कर लिया है। ते ये देखो ये सेंटर वाली सिलाई भी लगा के मैं इस नूं कंप्लीट तैयार कर लिया है। हुण मैं तुहानूं दसदी हाँ कि असी इस दे पोंचे दे उत्ते किस तरीके दे नाल डिजाइन बनाना है। पोंचे दा डिजाइन बनाने लई असी जिस साइड असी प्लीट पाए हन उस साइड तो असी मतलब अंदरले पासे तो असी थोड़ा इथो बिना सिलाई किते ही छड देवांगे। फिर उस तो बाद असी फ्रंट वाले हिस्से दा सेंटर कर लवांगे, जिस तरीके दे नाल मैं सेंटर दे विच कट लगा लिया। ते हुण असी सेंटर वाले कट दे उत्ते एक इस तरीके दे नाल एक इंच दा बॉक्स प्लीट पा लवांगे, जिवें कि साडी 7 इंच पोंचा रखिया सी असी, ते मतलब बॉक्स प्लीट पाण तों बाद इह असी 5 इंच तैयार रखांगे। मैं 5 रखांगी, बाकी तुहाडे ते डिपेंड है तुसी अपना खुल्ला पोंचा बनाना चाहुंदे हो जां फिर छोटा बनाना चाहुंदे हो। मैं अपना पोंचा 5 इंच बनावांगी, ते उस दे लई मैं इस तरीके दे नाल इस नूं तैयार कर रही हां। इस तरीके नाल असी बॉक्स प्लीट पा के इस सारे नूं इक 2 इंच चौड़ी अते 14 इंच लंबी पट्टी लगा के इस तरीके दे नाल असी इत्थे डिजाइन बनावांगे। ये देखो मैं यह 14 इंच लंबी अते 2 इंच चौड़ी पट्टी है, इस नूं साइडां तों सिलाई लगा के मैं इस नूं इस तरीके दे नाल बना लिया है। हुण इस पट्टी नूं असी इस पोंचे तों बाहर वाले पासे नूं रखदे हुए
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧਵਾਂ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਟਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਂਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਟਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੂਮੈਨ ਪਲੀਟਡ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।